दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर करीब 6 महीने पहले लावारिस हालत में मिले मासूम अंगू को आखिरकार उसका परिवार मिल गया। अपने बेटे से मिलने के बाद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान बच्चे के पिता ने करनी विकास समिति और बाल कल्याण समिति का शुक्रिया अदा किया। जानकारी के मुताबिक जनवरी में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक मासूम बच्चा लावारिस हालत में घूमता हुआ मिला था और उसके बाद बच्चे को बाल कल्याण समिति ने करनी आश्रम पहुंचाया और बच्चे के माता पिता की तलाश शुरू की। बच्चे के पिता ब्रजभान का कहना है कि उसका परिवार अशोकनगर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और साथ ही वे लोग मजदूरी के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में भी रेलवे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था और इसकी मजदूरी के लिए ब्रजभान अपनी पत्नी किरण और बेटे अंगू के साथ कोटा आया था कि तभी से उसका बेटा अंगू लापता हो गया। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश प्रधान ने बताया कि माता पिता की काउंसलिंग कर अंगू को उनके सुपुत्र कर दिया गया है। अंगू नाम का बच्चा एक मिला था रेलवे पटरियों के ऊपर, जिसमें मीडिया ने भी काफ़ी प्रयास किया था, सोशल मीडिया का भी रहा और एक पुलिसकर्मी है जितेंद्र कुमार, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। बालक अंगू के माता पिता दोनों मिल गए और माता को आज उसके सुपुर्द किया जा रहा है। माता बमनौर गांव की थी और अभी वर्तमान में अपने पति के साथ भरौली जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश की है। आज बच्चा उनके सुपुर्द किया गया है। बेलदारी का काम कर रहे थे मिस्त्री के पास, तो थोड़ी पास में हम जहाँ लेटरिंग कराए छोड़ गए हम, तो जो बोला कि मुझे लेटरिंग लग रही है तो पास में जा बैठा रहा। जो हमने सोची कि बच्चे और पास में खेल रहे थे उनके साथ में खेल रहा है, लेकिन उनके साथ में तो जो ना खेला अब जो वहाँ से घुमा चलो गए की तरफ जो, फिर हमने एक बजे लंच हुआ हमने जहाँ देखा तो वहाँ मिला नहीं जो, फिर हम तो फिर बाद हमने काम भी नहीं किया इसको ढूंढू करे हम, दूसरे दिन आगे ढूंढे हमने खाना भी नहीं खाया इसको ढूंढने ढूंढने में 3-4 दिन लग गया हमेशा हमें। ढूंढने के बाद फिर हमें कोई मजदूरी ना मिली तो हम दूसरी जगह साइड पर चले गए थे काम पर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।